हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फरीद है और आज मैं आपको जो है जालौन मेडिकल कॉलेज के बारे में बताऊंगा, उसके कैंपस के बारे में बताऊंगा और उसके फील्ड के बारे में बताऊंगा, ऑडिटोरियम के बारे में बताऊंगा, लाइब्रेरी कैसी है वो दिखाऊंगा आपको, ऑडिटोरियम कैसा है वो दिखाऊंगा आपको, एलटी कैसा है उसके बारे में दिखाऊंगा, प्रिंसिपल आवास दिखाऊंगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ठीक, अब हम आपको ले चलते हैं जालौन मेडिकल कॉलेज उरई। ये हम जा रहे हैं झांसी रोड पे, झांसी रोड पे, जो कि कॉलेज एकदम हाईवे के बगल में ही है। और ये आ गया है एंट्री, यहाँ पे जो है आर्मी के गार्ड लगे रहते हैं, कोई भी बाहर से कोई भी बंदा अंदर जा नहीं सकता बिना इनकी परमिशन के। और अब हम चल रहे हैं, आपको ले चल रहे हैं अंदर की तरफ। ये दोनों तरफ इसके मैदान हैं, इधर बगल में राइट साइड में कैंटीन है और कैंटीन के सामने काफी स्पेस है जिसमें कि जो अच्छी तरीके से गार्डनिंग की गई है। और ये हमारा आ जाता है पहला फर्स्ट चौराहा आता है जो कॉलेज का, ये छोटा चौराहा है, यहाँ पे लड़के बैठते हैं, शाम को एंटरटेन करते हैं। यहाँ चौराहा है, इस चौराहे से हम देख सकते हैं हमारा जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो है एकेडमिक ब्लॉक। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग में है हमारा इमरजेंसी। ये हमारा जो दाहिने साइड दिख रहा है, इसमें जो है हम आपको ले चलते हैं ओपीडी की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छी ओपीडी बनी है। अंदर पूरा फुल्ली ओपीडी भी है और जो वार्ड्स हैं वो भी फुल्ली एसी हैं। यहाँ पे 500 बेड की जो है व्यवस्था की गई है। ये हमारा ओपीडी है जो कि काफी स्पेसियस है और उसके दोनों साइड में जो है काफी ग्राउंड छोड़े गए हैं कि अब पेशेंट जो भी एडमिट हो वो आराम से आके बाहर धूप ले सकता है, रेस्ट कर सकता है, उसके रिलेटिव अपना जो भी जरूरी सामान है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहा धो सकते हैं। अब हम आपको और आगे ले चलते हैं जो कि मेन चौराहा है, एक बड़ा सा गोल चक्र चौराहा है। ये ओपीडी का पीछे का साइड है। हम अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमें वॉलीबॉल ग्राउंड मिलेगा जहां पे लड़के जो है शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं। ये हमारा ओटी का जो है पोस्टीरियर व्यू है, यहाँ से भी डॉक्टर एंट्री कर सकते हैं, पीछे की तरफ से भी एक रास्ता दिया गया है। अब हम आ गए हैं वॉलीबॉल ग्राउंड में, शाम को बच्चे यहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हैं। ये 200 मीटर का जो है एक बड़ा सा ग्राउंड छोड़ा गया है जो कि ओपीडी के जस्ट सामने है। अब हम जो है आपको ले चलते हैं फिर से उसी गोल चक्र पे जिसके सामने हम आपको दिखाएंगे ऑडिटोरियम और प्रिंसिपल आवास। ये सामने की जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है और ये फिर से हम गोल चक्र पे आ गए हैं।
इस गोल चौराहे से हर कहीं जाने का रास्ता बना हुआ है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं एकेडमिक ब्लॉक की तरफ। ये हमारा कॉलेज का सेकंड गेट है, सेकंड एंट्रेंस है। जब कोई इमरजेंसी पड़ती हो तो ये गेट खुला जाता है, नहीं तो यहाँ गेट जो है अधिकांशतः बंद ही रहता है। और यहाँ पे भी गार्ड लगे रहते हैं, और यहाँ पे जो भी गार्ड लगे रहते हैं वो सब आर्मी के रिटायर्ड गार्ड होते हुए। ये गेट के बगल में जो रोड है, रोड के बगल में काफी स्पेस छोड़ा गया है जहाँ पे लोग बाहर से भी लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक करने। यहाँ लोग एक्सरसाइज करते हैं बैठ के। अब हम आपको सेकेंड गेट से ले चलते हैं कॉलेज के अंदर। सबसे पहले हमारा राइट साइड में पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफिस। रोड के दोनों तरफ काफी गार्डनिंग की गई है, काफी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे अंदर ही माली हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, पेड़ पौधों के काफी ख्याल रखते हैं, कॉलेज को पूरा हरा भरा बना के रखते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हमारे कॉलेज के अंदर जो है आर्मी के रिटायर गार्ड रहते हैं, ये देखिए आपको दिख रहे हैं, एक गार्ड साहब टहल रहे हैं जो कि आर्मी यूनिफॉर्म में है। ये हमारा राइट साइड में है प्रिंसिपल ऑफिस, जहाँ पे प्रिंसिपल साहब जो है आपको पर डे मिल सकते हैं। आपकी कोई शिकायत है तो वो यहाँ जाके आप सुना सकते हैं, वो आपको जो भी शिकायतें होंगी उसको हल किया जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं ऑडिटोरियम की तरफ, जहाँ पे हर साल जो एनुअल फंक्शन होता है इसी ऑडिटोरियम के अंदर होता है। और ऑडिटोरियम जो है वो स्टेप वाइज बनाया गया है, काफी बड़ा ऑडिटोरियम है, अंदर से साउंड प्रूफ है और बाहर से भी बहुत खूबसूरत लगता है। उसके सामने भी पार्क छोड़ा गया है। प्रिंसिपल आवास के सामने भी काफी पार्क दिया गया है, काफी स्पेस है। चालोन मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा स्पेस है, जो भी बिल्डिंगें बनाई गई उसके आगे पीछे चारों तरफ जो है थोड़ा स्पेस छोड़ा गया है। ये सामने जो दिखाया जा रहा है ये है आपका ऑडिटोरियम। जैसे आप देख सकते हैं ऑडिटोरियम काफी बड़ा है और उसके सामने भी काफी स्पेस है, काफी गार्डनिंग की गई है, काफी खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर आप कभी भी आप कोई फंक्शन अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। अब आगे इसके जो है गर्ल हॉस्टल है, हम आपको वहां नहीं ले जाएंगे, लेकिन बस हम आपको फिर से एक बार ऑडिटोरियम दिखा दे रहे हैं। ये ऑडिटोरियम का साइड व्यू है, यहाँ से भी एंट्री बनी है, आप यहाँ से अंदर भी जा सकते हैं। ऑडिटोरियम के अंदर जो सिटिंग प्लान है वो काफी अच्छा है, स्टेप वाइज सिटिंग प्लान है। ये बैक एंट्री है जहाँ से जो भी परफॉर्मेंस करता है वो इधर से एंट्री कर सकता है।
अब हम आ गए हैं लाइब्रेरी आ गए हैं हम। लाइब्रेरी जो कि 24 आवर ओपन रहता है, और लाइब्रेरी जो है फुल्ली एसी है। लाइब्रेरी के अंदर ब्रॉडबैंड भी लगा है, जहां पे आप जो है निःशुल्क रूप से इंटरनेट चला सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर सारी पुस्तकें, सारे जो बुक्स मौजूद हैं, आप इसको इशू भी करा सकते हैं, अपने रूम पे भी ले जाके पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर हर ईयर का फर्स्ट हर साल का जो है 200 रुपया चार्ज लगता है आपको। टोटल 5 ईयर के जो है 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आप लाइब्रेरी यूज करें ना करें, लेकिन आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये प्रिंसिपल आवास है, टाइप 5 ब्लॉक है ये। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उनको यहाँ पे आवास मिलता है। ये लाइब्रेरी के अंदर का व्यू है, आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी जो है पूरी तरीके से फुल्ली एसी है, और लाइब्रेरी में टेबल चेयर सब कुछ अवेलेबल है, बेस्ट क्वालिटी का। आप यहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं, आप बुक ले जा सकते हैं, इशू करा सकते हैं। काफी पीसफुल प्लेस है, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं। अब हम आके आपको ले चलते हैं एकेडमिक ब्लॉक की तरफ। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है जो कि 3 फ्लोर का है। अंदर जो लिफ्ट भी लगा है। एकेडमिक ब्लॉक में 2 रास्ते हैं, एक आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है। पीछे वाले रास्ते से आप डायरेक्ट जो है एलटी की तरफ जा सकते हैं। ये एकेडमिक ब्लॉक के जस्ट बगल में ही हमारा जो है एग्जामिनेशन हॉल है, जहाँ पे एग्जाम होता है। अब हम आ गए हैं फील्ड में, जहाँ पे हम क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, और भी बहुत सारे जो भी इवेंट आउटडोर होते हैं वो करा सकते हैं। ये हमारा JR हॉस्टल है, जहाँ पे नॉन पीजी JR को रेजिडेंट दिया जाता है। ये 50 बेड का है, ये हम आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं। क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। ये ग्राउंड जो है 100 मीटर का है। ये हमारा वार्ड है, पीछे से हम पोस्टीरियर व्यू है वार्ड का। जो ओपीडी है और आईपीडी है, उसके चारों तरफ से जो है रोड बने हुए हैं। अब हम आपको ओवरव्यू दिखाते हैं। ये जो सामने दिख रही है वो हमारी एकेडमिक बिल्डिंग है। ये आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े जो है ग्राउंड छोड़े गए हैं एकेडमिक बिल्डिंग के सामने, ओपीडी के सामने, हॉस्टल के सामने। ये कॉलेज के अंदर ये 2 जो है बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं पानी के लिए। कभी कभार अगर लाइट चली जाती है तो यहाँ से पानी सप्लाई की जाती है। आपको यहाँ 24 आवर पानी मिलेगा। जितने भी यहाँ पे हॉस्टल हैं, सारे हॉस्टलों में अलग अलग मेस है। आप चाहें तो अपने हॉस्टल से खा सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारा मेस सही नहीं है, तो आप दूसरे हॉस्टल में आप जो है फोन करके मंगा सकते हैं खाना। अब ये हम चलते हैं आपको एलटी के अंदर ले चलते हैं। ये हमारा लेक्चर थिएटर है, इसके अंदर 3 लेक्चर थिएटर हैं। 2 लेक्चर थिएटर 180 के हैं, और 1 लेक्चर थिएटर जो है 380 सीट का है। और जो एलटी है वो फुल्ली एसी है। ये जो छत है हमारी एलटी की, जो कि काफी खूबसूरत लगता है, ये एलटी के अंदर देख सकते हैं कितना अच्छा सेटिंग प्लान है।